एपिसोड नंबर 354 354। चौदह वर्षों की दीर्घ अवधि समाप्त हो चली है। भरत का कृशकाय शरीर, सिर पर जटाएं और नेत्रों में उमड़ते प्रेम के आंसू, इस दीर्घ प्रतीक्षा और भ्रातृ विरह के सागर में डूबते हृदय की कहानी कह रहे हैं। तभी ब्रह्मचारी वेश में श्री राम का नामस्मरण करते हुए हनुमान का आगमन होता है। जिनके वियोग में आप दिन रात खुलते रहे हैं, जिनका गुणगान करते आप थकते नहीं, वे रघुकुल शिरोमणि लौट आए हैं। ये वचन सुनकर भरत के शरीर में जैसे नवजीवन का संचार हो गया। जिज्ञासा प्रकट की, हे तात, ऐसा शुभ समाचार देने वाले आप कौन हैं? हनुमान ने अपना परिचय दिया। भरत को मानो राम ही मिल गए। उन्होंने हनुमान को अंक में भर लिया। ऐसा शुभ संदेश लाने वाले को वे क्या कुछ दे दें समझ नहीं पाते। हनुमान उनके चरणों में आ गिरे। ऐसे पवित्र और विनय वचन भरत के समर्पण और सद्गुणों की कहानी कहते हैं। 14 वर्षों की गाथा सुनाकर और अयोध्या का समाचार लेकर हनुमान वापस चल पड़े। राम विरह सागर महा, भरत मगन वन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गय जन जटा मुकुट कृष्ण। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जा। सुबिरह सोचह दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभुआवत। सुनत वचन बिसरे सब दूता, विषावत
रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटे उठी सागर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्रवत जल पुल गीत गाता कपित तरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम प्रीते बार बार बूझी कुशलाता तो कहूँ दे हनुमंत नाई पद्माता कहे सकल रघुपति गुण गाता कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमि रही मोहि दास की नाई निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलकितन चरणनि परो रघुवीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जगनाथ जो काहे न हुई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु सो वचन ममता पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरक न हृदय समा भरत चरण सिरुनाय दुरित गयो कपिरा